हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास 6 चैप्टर वैश्वीकरण को रिवाइज करने वाले हैं। इसमें आप पढ़े हैं आर्थिक सुधार जो 1991 में मूल रूप से हुआ था, उसके उद्देश्य क्या थे और विशेषताएं क्या थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस रूप में, LPG किस रूप में संचालित हुआ, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। वहीं अगर देखें तो वैश्वीकरण के अंग, वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक, भारत में वैश्वीकरण क्यों और बिहार में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, एवं वैश्वीकरण एवं आम आदमी किस रूप में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों आर्थिक सुधार, यानी 1991 ईस्वी में किस प्रकार के आर्थिक सुधार हुए थे। आर्थिक सुधार का अर्थ है पुरानी नीतियों में परिवर्तन लाकर सामाजिक आर्थिक विकास की गति में तीव्रता करना। सन 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रयास से LPG की नीति अर्थात उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, जिससे भारत में अनेक आर्थिक प्रगति हुई। आर्थिक सुधार नीतियों की मुख्य विशेषताएं थी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना, दूसरा था औद्योगिक नीति को उदार बनाना और तीसरा था भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। आर्थिक सुधार का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार और उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। देखिए कि उदारीकरण क्या था, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सरकारी तंत्र कम से कम नियंत्रण को सरकारी नियंत्रण को कम किया जाए, लाइसेंस परमिट राज समाप्ति करके उद्योगपतियों, उद्यमियों तथा उत्पादकों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति प्रदान किया जाए। निजीकरण पे जब आते हैं तो निजीकरण क्या था, तो वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बदले निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः निजी क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं अगर देखें वैश्वीकरण क्या था, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया थी जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होता है, भौगोलिक सीमा समाप्त हो जाती है तथा वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीकी एवं सेवाओं का भी एक देश दूसरे देश के बीच बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता है। अगर देखें वैश्वीकरण के प्रमुख अंग, तो पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता अर्थात निर्यात द्वारा प्राप्त अर्जित विदेशी पूंजी को बाजार में बेच सकना एवं पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह अर्थात भारतीय पूंजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं तथा विदेशी पूंजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं, तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोध को कमी करना एवं वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक थे तकनीक प्रगति में परिवर्तन, उदारवादी नीतियां और प्रतिस्पर्धा। अगर भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता की बात कहें कि क्यों जरूरी था, तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां एक उन्नत बाजार उपलब्ध है, जहां उपभोक्ताओं का एक विशाल समूह मौजूद है। भारत में वैश्वीकरण का समर्थन निम्न कारणों से किया जाता है, पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु, दूसरा अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति हेतु, तीसरा उत्पादन के स्तर को उन्नति करने हेतु, चौथा नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक हेतु, पांचवा मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास हेतु एवं छठा प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हेतु और सातवा नए बाजार तक पहुंचने हेतु। वहीं देखें बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे ने किसी एक संदर्भ में कहा था, देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में उत्पादन एवं उपभोग के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है, जिसके सुखद परिणाम बिहार राज्य में भी देखने को मिल रहे हैं। वैश्वीकरण का बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, परंतु सकारात्मक प्रभाव का पलड़ा अधिक भारी है। बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है, तो पहला तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ तकनीकी आने से, दूसरा निर्यातों में वृद्धि हुआ लोगों से संपर्क करने से, तीसरा विदेशी प्रत्यक्ष
विनियोग की प्राप्ति हुई तथा शुद्ध राज घरेलू उत्पाद प्रगति, व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई एवं पांचवा विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता होने लगी और छठा रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई और सातवां बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन हुआ। वहीं देखें बिहार में वैश्विक नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा की जाने लगी। दूसरा कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा एवं तीसरा रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा और चौथा आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश हुआ। वहीं अगर वैश्वीकरण एवं आम आदमी को देखें कि वैश्वीकरण से आम आदमी को क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुआ, तो आम आदमी से तात्पर्य समाज के वैसे वर्ग समूह से है जो मध्यम एवं निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो समाज उपभोग की वस्तुओं से वंचित होते हैं। वैश्वीकरण के पश्चात जहां एक ओर विदेशी पूंजी का बड़ी मात्रा में आयात होने लगा, वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उद्योग का केंद्र सस्ते श्रम शक्ति की मौजूदगी के कारण भारत जैसे देश में बनाने लगे और मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्न प्रभाव पड़ा। अच्छा प्रभाव ये हुआ कि रोजगार की बढ़ी संभावना, दूसरा आधुनिकतम तकनीकी की उपलब्धता और तीसरा उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। अगर बुरा प्रभाव की बात करें कि बिहार पे इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा, तो सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका हो गई, दूसरा उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता तथा तीसरा श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ा, चौथा मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई हुई और पांचवा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पे संकट खड़ा हुआ। अगर देखें विश्व व्यापार संघ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इस नियमों का पालन हो। निवेश अर्थशास्त्र में परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा निवेश कहलाती है। मॉल, इसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है। और व्यापार अवरोधक, सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने में कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्धारित करने के लिए करती है। अब अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़े, तो व्यापार अवरोधक, मॉल, निवेश, विश्व व्यापार संगठन, बिहार और वैश्वीकरण, आम आदमी और वैश्वीकरण, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, बिहार में वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता, वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक, तकनीक का स्वतंत्रता, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, आर्थिक सुधार के मुख्य उद्देश्य, इस प्रकार आर्थिक सुधार की नीतियां, आर्थिक सुधार, और यह आपका हो गया कॉन्सेप्ट मैप। इस मैप की सहायता से आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार में आप अपने सामने रख सकते हैं। गुड लक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले पाठ में, अगले